एक्चुअली में मतलब ये बोला था कि इतने छोटे टारगेट क्यों दे रहे हो, और मैं बोला कि भाई पता नहीं मार्केट थोड़े ज्यादा ही चले हुए हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी देखने पड़ते हैं, लोगों को एग्जिट भी दिलाना जरूरी है, और बहुत आराम से टारगेट अचीव हो गया। आई नेवर न्यू क्या जैन साहब है ना, जैन साहब उसमें क्या है, आपको मार्केट के मार्केट पे भरोसा नहीं था राइट, और मेरे को आप पे भरोसा था, तो फर्क यही है। मुझे तो मालूम है जैन साहब की स्टडी वाला स्टॉक है, तो 10% के टारगेट छोटे पड़ेंगे, लेकिन बढ़िया है, चलो जो भी है, बहुत ही मजबूत। जिन लोगों के पास से क्या करें, होल्ड करें, और जबरदस्त है कि अभी भी वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। मेरे पास तो सामने नोट्स भी है रिफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के, देखिए 9-10 के 11 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है, एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है और अच्छी ग्रोथ, अच्छे नंबर दे रहा है, और ये सेगमेंट बहुत बढ़िया है जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। तो मेरे हिसाब से रेफ्रिजरेंट गैसेस और ये सब, और प्लस मेजरली दूसरा काम भी करती है, तो यही मुझे लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और करीब 650 तक के टारगेट। ओके okay.